गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैथ माई नरेंद्र पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करता हूँ। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है उसको कंटिन्यू आगे वो स्टार्ट करते हैं। कहा जो क्वेश्चन हमने किए थे उस क्वेश्चन को जो फॉर्मूला बेस मान कर हम अपने आधारित के क्वेश्चनों को ज्ञात करते हैं। हमने कहा क्या क्या ज्ञात किया था, 3 वर्ष के लिए वो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात किया था, जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस ज्ञात किया था। उसी के बेस पे हम फॉर्मूले तैयार करते हैं। मान लीजिए आपको मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन क्या करना है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मूलधन ज्ञात करना है जबकि दर आपको दी हुई है, दर आपको दी हुई है कि 1/a दी हुई है, दर प्रतिशत किसमें दी हुई है, 1/a दी हुई है। आपको मूलधन ज्ञात करना है जबकि आपको दर क्या दी हुई है, 1/a दी हुई है, जो समय समय 3 वर्ष का दिया हुआ है, 3 ईयर या 3 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष का आपको समय दिया हुआ है। मूलधन ज्ञात करना, दर ये दी हुई है जबकि समय 3 वर्ष का दिया हुआ है, और CI - SI ज्ञात करना है, CI - SI, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1/a है तो इसमें 3 वर्ष के लिए क्या करते हैं, 1/a यानी a की क्यूब, यही फिर इसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा जो हमने कहा क्वेश्चन किया था, जो n सपोज है जो हर वाला होता है उसके ऊपर क्या होता है, जो समय पाव समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, पाव कहते हैं। तो a की क्यूब इस पर जब हमें रेट क्या 3 वर्ष के लिए याद करना है, ये तो याद करना है, इसके लिए 1/a की लगाएंगे तो क्या आएगा, a2, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट, इस पर 1/a लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, a2, और इस पर 1/a लगाएंगे तो क्या आएगा, a2, ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट। यानी फर्स्ट वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना, a2, बी सेकंड वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, a2, ये तो हुआ, और जो भी थर्ड वर्ष का भी सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ, a2 हुआ। जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट पर किस पर लगता है, सिंपल इंटरेस्ट पर लगता है, नहीं ब्याज पे ब्याज लगता है, तो यहां पर इस पर लगाने पे क्या आता है, a/a स्क्वायर करेंगे, फिर इसका इसके आगे कितना आएगा 1/a, फिर क्या करते हैं, फिर इस पे लगाते हैं सीधा, तो यहां पे क्या आएगा 1/a यानी ये आता है, ये तो आता है, फिर इस ब्याज पे ब्याज लगाएंगे तो 1/a करेंगे तब क्या आएगा 1, ये तो आएगा इकट्ठे पर क्या आएगा, ये आएगा ए, ठीक है। तब सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये होता है इसका तीनों का ऐड होता है प्लस 1 होता है, तो ये हमारे फॉर्मूले से क्या प्राप्त हुआ, हम सीधा भी उसके अंदर बांध रख सकते हैं, 3a + 1, ये क्या है CI - SI, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस कितना होता है 3a + 1, ये तो होता है। जबकि मूलधन क्या होता है, जो हर में होता है उसका क्या होता है, हम क्यूब करते हैं, तो मूलधन क्या होगा a की क्यूब, ये क्या है हमारा मूलधन, ये निकल कर क्या है a की क्यूब। जबकि CI क्या होगा, CI क्या होगा 3a² टोटल 3a² प्लस 3a + 1, ये क्या निकल के आया CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ऐसा ही मान क्या होगा, ऊपर वाली जो होता है उसमें क्या होता है हमें हमेशा जोड़, तो क्या होगा 3a² ये क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ 3a² + 3a + 1, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ 3a² हुआ, ये तो हुआ 3a² क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ 3a² जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट CI - SI सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का मान क्या होगा, जब इसको इससे घटाएंगे इसको इससे घटाएंगे तो क्या बचेगा 3a + 1, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ। जब इस प्रकार क्वेश्चन दिखे तो एक ओनली फॉर ए की वैल्यू निकालो और इसके अंदर सीधा सीधा मान रखने पर आपका उत्तर निकल आएगा। ये CI कंपाउंड इंटरेस्ट 3a² + 3a + 1, ओनली किसकी वैल्यू चाहिए 3a की वैल्यू चाहिए, इसी प्रकार सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तब क्या आएगा 3a² जबकि CI - SI का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 3a + 1, इन्हीं के बेस पर आगे क्रम क्वेश्चन लेते हैं। फिर वही सी उसमें आपको क्या पूछा है कि मूलधन ज्ञात करना है जबकि आपको रेट दी हुई है 16/2/3% आपको क्या दी हुई है रेट दी हुई है, जबकि समय दिया हुआ है 3 वर्ष का, जबकि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया हुआ है 5.70 यानी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का मान क्या दिया हुआ है 5.70। जबकि हमने पीछे जो फॉर्मूला तैयार किया था उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या याद किया था 3a + 1, ये भी याद किया था,
तब यहाँ पर वन की एक की वैल्यू क्या क्या आई, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, ये तो आई। तब यहाँ से हमें क्या वैल्यू निकली, ए की वैल्यू निकल करके आई, ये तो आई। तब मूलधन में क्या करते हैं, जो हर भी होता है उसके हम ए की वैल्यू उसकी क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो 6 की क्यूब ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 6 की क्यूब इज इक्वल टू 216, ये तो ज्ञात करेंगे 216। जबकि सी आई माइनस एस आई का हमें मान दिया हुआ 5.70। जब सी आई माइनस एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू 3a+1, ये तो होता है। जब यहाँ से a का मान उठा करके यहाँ रखेंगे तब कितना आएगा, 3 3 × 6+1, तब कितना आया, 6 18 19 19। जबकि 19 सी आई माइनस एस आई का मान क्वेश्चन में क्या दिया, 5.70 दिया हुआ है। तो 19 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 5.70 दी हुई है। तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक यूनिट इक्वल क्या होगी, यूनिट 57, तो 0.3 रुपये, ये तो होगा 0.3 रुपये, ये तो हमें दिया हुआ है। जब 19 यूनिट की वैल्यू 5.70 दी हुई है तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5.70/19 तब इसे डिवाइडेशन करने पर क्या आएगा, एक यूनिट में 0.3 रुपये आएगा। जबकि हमें पूछा कि मूलधन बताइए, तो मूलधन ए क्यूब करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 216। जब ए की यूनिट की वैल्यू 0.3 है तो 216 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 0.3। इक्वल में करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 64.8 रुपये। ये इसका क्या है, प्रिंसिपल। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि उसको मूलधन बताइए, इसको करेंगे फॉर्मूले बेस पर सीधा करने पर क्वेश्चन आसानी से आ जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या पूछा है कि मूलधन बताइए कब, जब आपको समय दिया हुआ 3 वर्ष और रेट कितनी दी हुई है, 16 से 2/3%। जबकि थर्ड ईयर सी आई माइनस सेकेंड ईयर सी आई का मान कितना दिया हुआ है, 420 रुपये आपको दिया हुआ है, ठीक है, 20 रुपया दिया हुआ है। तब आपको मूलधन बताना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे 16 से 2/3% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जैसे पिछले बार क्वेश्चन में क्या था उसी प्रकार 1/6 होता है भाई, यही तो होता है। तो 1/6 जब इस समय आपको उसी प्रकार 3 वर्ष का दिया हुआ है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हर में होता है उसका क्या होता है, जितनी समय होता है उतनी क्या करते हैं, पावर कर देते हैं। तो 6 की पावर 3 करने पर क्या होता है, 6 की क्यूब यानी 216, तो ये क्या होता है, मूलधन होता है। जब हम 3 वर्ष के लिए निकालेंगे, यही तो है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये क्या सिंपल इंटरेस्ट का मान निकालेंगे। जब 216 का 1/6 करते हैं तो क्या आता है, 37 18 3 6 36। इसी प्रकार इसका भी क्या करते हैं, 1/6 करते हैं तो क्या आएगा, 36। इसका 1/6 करेंगे तो क्या आएगा, 36। जब ये क्या है, फर्स्ट वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, ये सेकंड वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, और क्या, थर्ड वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। जब ब्याज पे ब्याज लगता है तो क्या आता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, तो यानी ब्याज पे ब्याज यानी 36, या तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1/6 यानी 36। इसका 1/6 करेंगे तो क्या आएगा, 6, ये तो आएगा। जब ये इसका यहाँ पे करेंगे इंटू 1/2 वर्ष के लिए 1/6 करेंगे 6, जब ये इस पे ब्याज पे ब्याज रहेंगे इंटू 1/6 तब क्या आएगा, 1, ये तो निकल के आएगा। ये क्या निकल के आया हमारे पास, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 6, जबकि थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 13 यूनिट है। जब अभी क्वेश्चन पूछा कि थर्ड ईयर सी आई माइनस सेकेंड ईयर सी आई का मान 420 रुपये दिया हुआ है, तो थर्ड ईयर सी आई का मान कितना हुआ, 6 × 6 = 12 = 13 यूनिट। तो थर्ड ईयर सी आई का मान कितना है, 13 यूनिट, जबकि सेकेंड ईयर सी आई का मान कितना है, 6 यूनिट, ये तो है। जैसा उसका मान हमें क्या दिया हुआ है, 420 रुपये दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है। तब 13 में से 6 घटाने पर कितने बचते हैं, 6 × 12 = 13, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 420 रुपये दी हुई है। तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछा है, एक यूनिट की वैल्यू क्या आई, 7 × 7 = 42 यानी 60 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60 रुपये है। जबकि हमें पूछा है कि मूलधन बताइए, यानी मूलधन हमें कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे, 216, ए की क्यूब करने क्या था, 216। जब एक यूनिट की वैल्यू 60 रुपये है तो 216 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, × 16, ये तो 216 × 60, तो 216 को 60 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 6 × 3 = 6 × 3 = 12 = 12,960 रुपये। ये क्या है, हमारे पास क्या निकल के आया, मूलधन निकल के आया।
कितना रुपए? 12,960 रुपए। ये तो मैं कुछ पूछा था कि उसका मूलधन बताइए कब, जब उसकी रेट दी हुई थी 16 से 2/3%, जब इस समय दिया हुआ था थर्ड ईयर, जब इस सीआई सही थर्ड ईयर सीआई माइनस सेकंड ईयर सीआई का मान कितना दिया हुआ था 420, तब एक यूनिट की वैल्यू निकाली हमने, जब थर्ड ईयर का सीआई कितना था 6/13, जब इस सेकंड ईयर सीआई का मान कितना है 6 यूनिट, ये तो सेकंड ईयर सीआई का मान 6, तब 13 में से 6 निकालने के लिए होगा 7 यूनिट, जब 7 यूनिट की वैल्यू किस समय में साफ साफ दी हुई है कि 420 रुपए है, तब एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई है 60 रुपए। हमें पूछा मूलधन, मूलधन क्या होता है, हमेशा जो हर होता है उसकी क्यूब करते हैं, हर में जितना वर्ष होता है समय दिया होता है उसकी उतनी पावर करते हैं, तो पावर करने पर हमें क्या प्राप्त होगा 216 रुपए, तो 216 एक यूनिट की वैल्यू 60 है तो 216 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12,960 रुपए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, जब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है मूलधन बताइए, जब इस समय दिया हुआ है 3 वर्ष, जब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का मान दिया हुआ 5.40 ये दिया हुआ है, जब इसमें इस वाली क्वेश्चन में एक चीज अलग दी हुई है वो क्या है, जबकि रेट है वो तीनों वर्ष यानी समय 3 वर्ष का दिया हुआ है, जबकि तीनों वर्ष रेट क्या है वो हमें अलग अलग दी हुई है, अलग अलग रेट देकर के हमें क्या पूछा है मूलधन पूछा है, जिसके लिए हम क्या करते हैं जिस प्रकार पहले क्वेश्चन में क्या था उसी प्रकार, यानी पहले वर्ष की दर कितनी है 11 से 1/9%, जब सेकंड वर्ष रेट कितनी है 14 से 2/7%, और थर्ड ईयर सॉरी रेट का मान कितना है 10%, तो इसके लिए हम क्या करते हैं आर का मान हमें क्या क्या दिया हुआ है उसको इक्वल कर लेते हैं, आर का मान हमें दिया हुआ है फर्स्ट वर्ष सेकंड वर्ष और थर्ड ईयर यानी तीसरे वर्ष, यही है ना, ये में दिया हुआ है फर्स्ट वर्ष रेट कितनी दी हुई है 11 से 1/9%, ये तो दी हुई है फर्स्ट ईयर रेट कितनी दी हुई है फर्स्ट ईयर हमें क्या दी हुई है रेट फर्स्ट ईयर का मान दिया 11 से 1/9%, जब भी सेकंड रेट हमें क्या दी हुई है 14 से 2/7%, और थर्ड ईयर में रेट दी हुई है 10%, ये तो दी हुई है ये दी हुई है, जबकि हमें 11 से 1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आती है ये तो हमें पता ही है कि 11 से 1/9% फ्रैक्शन होती है 1/9, जबकि सेकंड ईयर 14 से 2/7% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आती है 14 से 98 1/7, ये तो होती है, और थर्ड ईयर यानी 10% फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/10, ये तो होती है। इसके लिए हम प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं 9, 7 और 10 है इसका हम पहले करते हैं एलसीएम लेते हैं 9, 7 और 10 का, या फिर 9, 7, 2, 63 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 630, तो ये हमारा क्या निकल गया प्रिंसिपल, ये तो निकल के आएगा, ये क्या है प्रिंसिपल, ये तो है। फिर क्या करते हैं इसके लिए फर्स्ट ईयर कंपाउंड रेट लगाते हैं और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये तो करते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं पहले वर्ष कितनी रेट लगती है 1/9 × 1/9 9, 7 तो 63, 70 ये होगा, जब ये सेकंड ईयर कितने लगेगी 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है तो 630 यानी 630 की 1/7 कितना होता है 7 × 63 यानी 90, ये तो होता है। जब ये थर्ड ईयर का फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी 1% कितने रेट लगती है 10% फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी 1/10 तब कितना होगा 63। फिर क्या है ये हमें क्या निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना था 70, सेकंड ईयर 90, थर्ड ईयर 63, ये तो दिया था। जबकि हमेशा फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड वर्ष पर लगता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड ईयर क्या था 1/7, तो इसका 1/7 करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर × 1/7 क्या आएगा 10 यूनिट, ये क्या है सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब ये थर्ड ईयर क्या होगा इसी में भी ब्याज लगेगा और इसमें भी ब्याज लगेगा, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 का 1/9 क्या आता है 9, ये तो होगा 19 × 1/9 करेंगे तो क्या आएगा सॉरी 1/10 करेंगे तो क्या आएगा 10 यूनिट, ये तो 10 × 90 तो कितना हुआ ब्याज 9 यूनिट, ये तो हुआ। जबकि सेकंड ईयर ब्याज भी ब्याज लगाएंगे तब क्या आएगा 90 तो कब तक क्या आएगा इस पे 10/7 इसका सीधा ब्याज लगाएंगे यहाँ पे तब कितना आएगा 1 × 1/10 तो क्या आएगा 7, ये तो आएगा। जब ये यहाँ पे क्या दिया हुआ था 10 यूनिट तो इस पर 1 × 1/10 करेंगे तब कितना निकल के आएगा 1, ये तो निकल के आया।
ये क्या है हमेशा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? दस। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था? 10 यूनिट, जबकि थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 17। ये तो है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सीआई माइनस एसआई का मान दिया हुआ है 5.40। तो इससे हमें क्या प्राप्त हुआ? सीआई माइनस एसआई का मान क्या प्राप्त हुआ? सीआई माइनस एसआई, एसआई का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 9 × 10 × 20 = 27 यूनिट तो प्राप्त हुआ। ये क्या है मेन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट? ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो हमारा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये टोटल कितना होया? 9 × 10 = 17 × 10 = 27। तो सीआई माइनस एसआई का मान कितना है? 27 यूनिट। जबकि हमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि सीआई माइनस एसआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का मान 5.40 है। तो 27 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है? 5.40। यही तो है। तब एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5.40/27, 27 × 54, तो एक यूनिट की वैल्यू में क्या होगी? 0.2 प्राप्त हुई। हमें क्या पूछा है? मूलधन। तो मूलधन यहाँ पर हमारा कितना प्राप्त हुआ? 630 यानी 630 रुपए, ये तो प्राप्त हुआ था। मूलधन कितना प्राप्त हुआ? 630 रुपए। जबकि एक यूनिट की वैल्यू हमारी क्या है? 0.2 रुपए। ये क्या है? एक यूनिट की वैल्यू निकल के आई। तब एक यूनिट की वैल्यू 0.2 है, तो 630 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल करके आएगा आंसर? 630 × 0.2, 0, 3 × 6, 6 × 12, तो क्या आएगा? 126 रुपए। सॉरी, ये तो आएगा 126 रुपए पॉइंट जीरो, या फिर 126 रुपए। ये तो पूछा था कि उस वस्तु का मूलधन बताइए जिसका समय समय 3 वर्ष दिया, सीआई माइनस एसआई मान क्या दिया था? 5.40। जो भी रेट हमें अलग अलग दी हुई थी, फर्स्ट वर्ष 11 से 1.9%, जबकि सेकंड ईयर 14 से 2.7%, जबकि थर्ड ईयर क्या दी हुई थी? 10% दी हुई थी। तब उसका मूलधन हमें क्या प्राप्त हुआ? 126 रुपए। यही हमें उसमें पूछा था। आज के लिए इतना ही बहुत है। प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।